अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी का टारगेट सेट हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नया लक्ष्य दे दिया और अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने की बात भी कह दी है, जिसमें युवा, महिला, किसान से लेकर राम मंदिर तक का मुद्दा शामिल है। पीएम मोदी ने कहा, पार्टी का वोट इस बार 10% बढ़ाना है, प्रदर्शन ऐसा हो कि विपक्ष स्तब्ध हो जाए। साथ ही महिला, युवा, किसान और गरीबों को पार्टी से जोड़ने की भी बात कही गई है। वहीं बीजेपी की बैठक में राम मंदिर के प्रचार प्रसार करने की रणनीति तैयार हुई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी राम मंदिर को लेकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीजेपी की बैठक में तय हुआ है कि आगामी चुनाव में 35 करोड़ वोट हासिल होना चाहिए और 37% से बढ़ाकर 50% के करीब वोट हासिल कर रहा है। यानी कि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि 24 में जीत ऐसी हो कि विपक्ष भी स्तब्ध हो जाए। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांक्षाएं समझती है, उसके लिए काम करती है, जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते, उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया। जिस पार्टी के पास मोदी जैसे टीम लीडर, शाह जैसे चाणक्य और नड्डा जैसे कूल कैप्टन हो, उस टीम के सामने अच्छे अच्छों की दशा और दिशा बिगड़ ही जाती। और ये पिछले कई चुनाव परिणाम से साबित भी हो जाता है। ऐसे में बीजेपी विपक्ष के खिलाफ प्रचंड जीत का लक्ष्य लिए आगे बढ़ रही है। बीजेपी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने पर टिकी। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं से पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और अमित शाह ने कहा, पार्टी का वोट प्रतिशत 10% बढ़ाना है, प्रदर्शन ऐसा हो कि विपक्ष स्तब्ध हो जाए, महिला, युवा, किसान और गरीबों को जोड़े, चुनाव में 35 करोड़ वोट पाने का लक्ष्य है। स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारी जीत हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके मद्देनजर पीएम मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं के सामने तैयारियों को और तेज करने की बात कही। बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में 2024 में पार्टी की प्रचंड जीत को लेकर के रणनीति तय की गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। इसमें तय किया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 10% अधिक वोट हासिल करने और कम से कम 50% वोट हासिल करने की रणनीति बनाई गई। यानी इस बार की लड़ाई सीधे सीधे विपक्षी गठबंधन से है, जिसमें 27 दल शामिल हैं और एक के सामने एक वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिले थे। बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में 37% से अधिक वोट मिले थे, जिसे पार्टी इस बार बढ़ाकर 50% के करीब ले जाना चाहती है। बीजेपी 2019 में 303 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। अब पार्टी ने 350 सीटों का नया टारगेट सेट किया है। बीजेपी की बैठक में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन पर भी विशेष चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राम मंदिर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने और उस पर चर्चा करने के लिए कहा गया। पार्टी को भरोसा है कि चुनाव में राम मंदिर उसके पक्ष में एक बड़ा मुद्दा होगा। मैंने ट्रस्ट से आग्रह किया है कि आप किसी को भी बुलाइए, राम में जिसकी भी आस्था हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो चाहे दुनिया में कहीं का भी रहने वाला हो, आप उसको बुलाइए। लेकिन वो तमाम सारे राजनीतिक दल जो आज मंदिर जाने के लिए लालायित हैं, ये वो लोग हैं
जो आरोप लगाते हैं कि हमको बुलाया नहीं जा रहा है, सरकार हमको बुलाती है नहीं, भाजपा हमको बुला नहीं रही, राम सबके हैं, तो ये वहाँ पर केवल अपना आस्था के लिए नहीं जाना चाहते, अपनी श्रद्धा के लिए नहीं जाना चाहते, राजनीति के लिए जाना चाहते हैं। जो विरोधियों का गठबंधन है उसे मैं ठगबंधन कहता हूँ, और वह ठगबंधन दिशा विहीन है, उसके पास कोई दिशा नहीं है। जितने दल हैं, जितने नेता हैं, उतने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इसलिए मैं आज यहाँ यही कह सकता हूँ, तीसरी बार मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में 80 की 80, देश में 400 पार, भाजपा की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। यानी 2024 के चुनाव में युवा, महिला, गरीब, किसान और राम मंदिर का दाव विपक्ष के लिए तनावपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीजेपी का टारगेट 400 पार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बृजभूषण और पहलवानों के बीच दंगल में सरकार का धोबी पछाड़ दाव कारगर साबित हो रहा है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द करते हुए संजय सिंह की तरफ से लिए गए सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी है, जिसे पहलवान बड़ी जीत मान रहे हैं। हालांकि इस फैसले के पीछे की सियासत को समझे तो 2024 की कहानी छिपी हुई आपको साफ साफ दिख जाएगी। दरअसल बृजभूषण और पहलवानों की लड़ाई को कांग्रेस 2024 का मुद्दा बना सकती थी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी थी। इस विवाद के बीच प्रियंका गांधी की साक्षी से मुलाकात भी हो चुकी है और कई मुद्दों पर बात भी हो चुकी है। साथ ही इस विवाद को तूल देते हुए जाट समाज को पाले में लाने की कोशिश भी हो रही थी। वहीं विपक्ष की तरफ से यूपी हरियाणा में चुनावी माहौल बनाने की तैयारी थी, साथ ही बृजभूषण सिंह के नाम को मुद्दा बनाया जा रहा था, लेकिन इस दंगल में सरकार का धोबी पछाड़ दांव विपक्ष के लिए तनावपूर्ण हो गया। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम तो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ। बृजभूषण सिंह से घमासान, संजय को कमान और फिर इस दंगल को पहलवानों ने मेडल वापसी की जद में जब लाए तो नए संघ को ही रद्द कर दिया गया। खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया है, और ये ऐलान तब किया गया जब ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा कर दी और बजरंग पुनिया ने पद्मश्री सम्मान वापस कर दिया। देखो वो उनका पॉलिटिकल है, वो उनका एजेंडा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी, हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं उनके लिए थी, और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूंगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय। इसके साथ ही खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के आगामी सभी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया है। खेल मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि नए संघ ने नियमों के खिलाफ जाकर आगामी टूर्नामेंट और कार्यक्रमों का ऐलान किया था, जिसमें अंडर 15 और अंडर 20 के नेशनल नंदिनी नगर गोंडा में कराए जाने का फैसला लिया गया था। साक्षी मलिक समेत कई महिला पहलवानों ने इस पर सवाल खड़े किए थे। खेल मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि कुश्ती संघ अब अगले आदेश तक कोई भी फैसला नहीं ले सकेगा। दरअसल कुछ पहलवानों ने पहले बृजभूषण सिंह को भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। जब ये मांग पूरी हो गई, फिर नए अध्यक्ष संजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और बात संन्यास से लेकर अवार्ड लौटाने पर आ गई, क्योंकि पहलवानों का कहना है कि संजय सिंह बृजभूषण के करीबी हैं और इसकी तस्वीर चुनाव के बाद देखने को भी मिली थी, जब दोनों ने एक साथ अपनी जीत बताई थी, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुकी है। कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मैं लगातार अपने नेताओं के संपर्क में रहता हूं, हर पार्टी मीटिंग को अटेंड करता हूं, मोदी जी को भी नमस्ते करता हूं, अमित शाह जी से भी भेंट करता हूं, नड्डा जी से भेंट करता हूं, ऐसा कोई फैसला मैंने नहीं लिया। अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ, अभी कोई कमेंट नहीं।
केवल एक्टिविटी पे, जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। डब्ल्यू फैक्ट नियम विरोध जो है फैसले लिए गए जल्दबाजी में जो भी है, अभी मैं अभी कोई कमेंट नहीं है इसके बारे में। मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ। धन्यवाद। अभी नो कमेंट, नो कमेंट। किसी साक्षी मलिक किसी पे कोई कमेंट नहीं। ब्रजभूषण सिंह का दावा है कि उनके रहते हुए भारतीय कुश्ती संघ बुलंदियों पर पहुंचा, लेकिन इस विवाद के बाद वो कुश्ती से संन्यास ले चुके हैं। तो दूसरी तरफ इस विवाद को सियासी रंग भी दिया गया जब प्रियंका गांधी साक्षी मलिक से मिलने चली गई, और उस मुलाकात के बाद साक्षी मलिक ने एक ट्वीट में कहा, मैंने कुश्ती छोड़ दी है पर कल रात से परेशान हूँ। वे जूनियर महिला पहलवान क्या करें जो मुझे फोन करके बता रही हैं कि दीदी इस 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने हैं। गोंडा ब्रजभूषण का इलाका है। अब आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहाँ जाएंगी। क्या इस देश में नंदनी नगर के अलावा कहीं पर भी नेशनल करवाने की जगह नहीं है? समझ नहीं आ रहा क्या करूं? यानी जो लड़ाई साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने शुरू की थी उसमें बैक टू बैक पहलवानों की जीत हो रही है, क्योंकि पहले ब्रजभूषण सिंह का पद छोड़ना और फिर नए अध्यक्ष पर भी सवाल उठाने के बाद कुश्ती संघ को भंग करना अब नए खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। विपक्षी गठबंधन के सहयोगी डीएमके ने एक बार फिर उत्तर भारतीयों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इस बार दयानिधि मारन ने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो केवल हिंदी बोलते हैं वो मजदूरी के लिए तमिलनाडु चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। दयानिधि मारन के इस बयान के बाद अब संग्राम छिड़ गया है और तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद सनातन को टारगेट पर लिया गया, और उसी इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद अब यूपी बिहार वाले टारगेट पर लिए जा चुके हैं, और टिप्पणी फिर से डीएमके सांसद ने की है। நல்ல இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் தெரிந்த காரணங்களால நீங்க ஐடி கம்பெனியில கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க, இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தி ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்த யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கற்றுக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டித்தரான், சாலையை பெருக்கிறான், கொக்குஸ் கழுவுறான், இதுதாங்க ஹிந்தி படித்தாங்க. டிஎம்கே சாம்சத் தயாநிதி மாறன் ने हिंदी बोलने वाले लोगों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग तमिलनाडु में आते हैं और यहां सड़कों पर शौचालयों की सफाई का काम करते हैं। डीएमके सांसद की इसी विवादित टिप्पणी पर अब संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है हिंदी पट्टी के बारे में ऐसी बातें नाकाबिले बर्दाश्त है। देखिए, जो अहंकारी लोगों को, घमंडिया गठबंधन को इस बार देश भर की जनता उत्तर देने वाला है, तमिलनाडु में भी उनको उत्तर मिलेगा। देखिए, जो अहंकारी लोगों को, घमंडिया गठबंधन को इस बार देश भर की जनता उत्तर देने वाला है, तमिलनाडु में भी उनको उत्तर मिलेगा। जब इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन इसका जवाब श्री राहुल गांधी जी को देना चाहिए, श्री अखिलेश यादव जी को देना चाहिए, और जो ऐसी पार्टियों से अपने रिश्ते रखते हैं और उत्तर भारत में राजनीतिक सफलता की आस भी रखते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। हमारे लिए उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सारा भारत एक है, सारे भारतवासी एक हैं, और देश की प्रगति में सबके सहयोग की अपेक्षा रहती है, और इस प्रकार के जहरीले बयानों के लिए अब देश में कोई आसान नहीं है। इस प्रकार के बयानों से किसी को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने करारा हमला किया है और आरोप लगाया है कि डीएमके सांसद का बयान देश को उत्तर दक्षिण में बांटने जैसा है। बीजेपी नेता ने कहा कि जाति धर्म और भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, एक बार फिर बांटो और राज करो कार्ड खेला जा रहा है। गठबंधन डीएमके के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? ये इंडी गठबंधन की सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। यानी बीजेपी इस बयान को सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन से जोड़ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम ने भी इस टिप्पणी का विरोध किया और तेजस्वी यादव ने कहा सभी दलों के नेताओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए,
हम बिहार के लोग दूसरे क्षेत्रों के लोगों का सम्मान करते हैं और यही दूसरों से भी उम्मीद करते हैं। यूपी के लोगों को जो मजदूर है, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं, अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी। लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है, इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। खैर, डीएम के सांसद दयानिधि मारन के खिलाफ सिर्फ निंदा से नहीं बल्कि एक्शन की बारी है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की टिप्पणी डीएम के सांसद कर चुके हैं, वो भी तब जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। तो क्या डीएम के सांसदों का बयान प्रायोजित है या फिर इनके जहन में हिंदी भाषी के लिए सिर्फ नफरत? इसका जवाब विपक्ष के सहयोगी नेताओं को देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तराखंड में स्थानीय लोगों की मांग अगर पूरी हो गई तो बाहरी वहां जमीन नहीं खरीद सकेंगे। दरअसल उत्तराखंड के लोग अब ठोस भू कानून की मांग को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं और भू कानून के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड वासियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, साथ ही शहरी क्षेत्र में 250 मीटर जमीन खरीदने की सीमा हो। वहीं जो किसान नहीं है, जो कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं, पहाड़ पर सिर्फ वहीं के लोग जमीन खरीद सकें। बाहर के लोग पहाड़ पर जमीन नहीं खरीद सके, साथ ही कंपनी संस्थानों को दी गई जमीन का ब्यौरा भी सार्वजनिक किए जाने की मांग हो रही है। वहीं पहाड़ के प्रोजेक्ट में 80% स्थानीय लोगों को नौकरी देने की भी मांग अब जोर पकड़ चुकी है। आपको दिखाते हैं सिपर एक रिपोर्ट। बोला भै बंधु तुम ते कनो उत्तराखंड चैणु चा, हे उत्तराखंडियो तुम ते कनो उत्तराखंड चैणु चा। उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू करने और मूल निवास प्रमाण पत्र की कट ऑफ डेट 1950 करने की मांग को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतः स्फूर्त भीड़ उमड़ी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी के लोग भी रैली में पहुंचे, लेकिन रैली की स्वतः स्फूर्त भीड़ में कहीं खो गए। महिलाओं और पुरुषों से ज्यादा युवाओं की तादाद देखने को मिली, लोग गायक भी बढ़ चढ़ कर पहुंचे। ढोल, दमाओं, मशक बीन की थाप पर परेड ग्राउंड में शुरू हुई रैली कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर घंटों बाद समाप्त हुई। हमने उत्तराखंड मांगा था, हमने ये नहीं कहा था तुम हमें उत्तराखंड से जड़ ऊपर कर दो। हमारी मूल निवास और भू कानून 1950 का कानून, वो हमें वो चाहिए थी। हमारे बच्चे आज बेरोजगार हैं, यहाँ से पलायन बाहर कर रहे हैं। लोगों की मांग थी कि सरकार ठोस भू कानून लागू करे, पहाड़ खाली हो रहे हैं और बाहरी प्रदेशों के लोग बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि ये एक क्रांति की शुरुआत है। महारैली के बाद अब अगली रैली कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में करने की तैयारी है। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन करने की योजना है। ऐतिहासिक महारैली हुई है और आज इस क्रांति की जो लौ है वो घर घर जाएगी। आज के बाद हर गांव में यह आंदोलन फैलेगा, मूल निवास स्वाभिमान महाआंदोलन। हर एक आदमी को जो यहाँ का मूल निवासी है, जिसके हकों को डाका डाला जा रहा है, उसको हम इस आंदोलन से जोड़ेंगे। 26 नवंबर 2001 के आदेश से मूल निवास का मुद्दा विवाद का विषय बन गया। साल 2001 में किए गए इस प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड में रहते हुए जिसको भी 15 साल हो गए हैं, वो यहाँ पर स्थायी निवासी मान लिया जाएगा। यही वो आदेश और कारण है जिसने सोशल मीडिया की एक कॉल पर राजधानी में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतार दी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
सीएम योगी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने छात्रों को मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि समस्या है तो पहले हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, चुनौतियों को भी स्वीकार करना चाहिए और फिर उनका समाधान तलाशना चाहिए, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन इस समस्या को ही अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर समाधान कैसे निकालेंगे। जिस पर उपराष्ट्रपति ने भी अपनी बात रखी, आपको सुनाते हैं। तो समस्या को स्वीकार किया तो उसके समाधान का रास्ता भी आपको तलाशना पड़ेगा, और समाधान है तो उसका निवारण भी है। अक्सर होता क्या है, हम समस्या को ही स्वीकार नहीं करना चाहते, हमारी विफलता का रहस्य कहां छुपा है, जब हम समस्या से मुंह मोड़ते हैं, उससे भागने का प्रयास करते हैं, उसको जब स्वीकार ही नहीं करते तो सबसे पहले समस्या को स्वीकार करना और हर समस्या का समाधान करने के लिए एक राह भी होती है, उस राह को चुनना, समाधान का रास्ता। और याद रखना, हर रास्ते मंजिल तक ही पहुंचते हैं। समस्या समझना, समस्या का आकलन करना, समस्या के समाधान का रास्ता ढूंढना, समस्या का समाधान कौन करेंगे उनको चिन्हित करना। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी।